मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, तमीज से बात कर। तूने बच्चे पैदा किए तो मेरे पहचान कर रही है, उसमें मेरा हाथ नहीं था। मैं तेरे को बोला ना ऑफिस से फोन मत कर, ऑफिस में मेरी इज्जत है समझी। बच्चे पैदा कर लिए तो मेरे बगैर बच्चे पैदा हो सकते? मेरे बाप को बोलेगी अरे बीवी हो तो बीवी की तरह रहो। शट अप बोलो। देखिए हमें शादी करनी है। अरे आजकल लड़का लड़का लड़की लड़की शादी कर रहे हैं, आप दोनों को हुआ क्या? कौन सा कीड़ा काट रहा है? मैं तो कहता हूँ शादी करके बीवी लाने के बजाय, बुरा नहीं मानना, शादी करके बीवी लाने के बजाय मोबाइल लीजिए, मोबाइल खरीदिए। एक मोबाइल से बात करो, दूसरा मोबाइल नाराज नहीं होता है, समझे कि नहीं? बुरा नहीं मानना जी, इसको साइलेंट पर रख सकते हैं मगर बीवी को कहाँ रखेंगे? इसका रिंग टोन चेंज कर सकते हैं आप। मैं बोलता हूँ बहन जी, बुरा नहीं मानना, इसका तो एक ही टोन है बीवी का। माफ करना बहन, बीवी हाथ में नहीं आती है, ये मुट्ठी में आ जाता है, जेब में भी रख सकते हैं इसको। मैं तो कहता हूँ इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, पुराना देके नया ले सकते हैं, ये तो वही पुरानी, कब तक चलाएंगे इसको? बुरा ना माने बहन जी, बीवी चिंगम की तरह होता है, बीवी चिंगम की तरह होता है। थैंक यू। हाँ शुरू शुरू में मीठा लगता है, उसके बाद चबाते रहो, चबर 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 चबर। अगर आपको भी चबाना है जिंदगी भर तो फॉर्म भरिए, मैं साइन कर देता हूँ। मैं आरडी, आरडी बर्मन म्यूजिक डायरेक्टर। अरे मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपका म्यूजिक सुन सुन के तो मैं जिंदा हूँ, वरना कब का मर गया होता है। आरडी साहब, मैं वो आरडी नहीं हूँ। आरडी का मतलब है रॉबर्ट डिकोस्टा, इंस्पेक्टर रॉबर्ट डिकोस्टा। इंस्पेक्टर, मेरी बीवी ने भेजा है। देखिए साहब, हमारा खाली मुंह का झगड़ा है, फाइट नहीं है। मैं को क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं एक अच्छा हस्बैंड हूँ। क्या कभी कभी गलत फहमी हो जाती है कि मैं यहाँ केस के सिलसिले में आया हूँ? दूसरे केस के सिलसिले में? अच्छा, और आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। ओके, तस्वीर दिखाना। ये सर पे सैंडल लिए, एक मिनट उल्टा पकड़ा। इसे पहचानते हो? यस, ये कुछ दिन पहले मेरे पास शादी करने आई थी। इस लड़के के साथ आई थी? नहीं नहीं नहीं, ये तो शरीफ लगता है साहब, लेकिन जिस लड़के से इसकी शादी हुई ना, वो लड़का बहुत गुस्से वाला था, उसने मेरे फोटोग्राफर को मारा, कैमरा छीन के कैमरा तोड़ दिया, वेरी बैड। लड़का दिखने में कैसा था? हाँ, दिखने में तो दो पैर, दो कान, दो आंख और एक ही नाक था, और बिल्कुल आदमी जैसा लग रहा था, झूठ के बोलो साहब। तुम्हें हमारे साथ डर्बन चलना पड़ेगा, वो हमारे डिपार्टमेंट के आर्टिस्ट तुम्हारे डिस्क्रिप्शन से उसका स्केच बनाएंगे। आने में तो मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब, लेकिन स्केच ही बनाना है तो मेरे पास उसका फोटो है। हा? आप फोटो देके स्केच बनाइए ना। क्या तुम्हारे पास उसका फोटो है? यस यस, हमारे पास जो भी पंगे वाले आते हैं ना, गुप्त कैमरे से हम उनका फोटो निकाल लेते हैं। हमने निकाल लिया, ये रहा। सर ये तो राजीव है, लेकिन सोफिया ने तो कहा था कि उसने रणवीर के साथ शादी की थी। इसने तो बिना मुंह मारे फल खाने का फंडा ढूंढ निकाला है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरी बीवी तो बगैर मुंह मारे ऐसी ऐसी चीजें खाती है, मेरे को देख लीजिए ना, 6 फीट का था, 5 फीट का हो गया हूँ। थैंक यू मैक्स, टेक केयर ऑफ योर वाइफ। वेलकम। बुराने माने बहन जी। गुड मॉर्निंग। आप लोग चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज कम। व्हाट अ नाइस सरप्राइज मैम। क्या है कि रणवीर की डेथ के बाद सोफिया काफी लो फील कर रही थी, तो मैंने सोचा यू नो हाथ में हाथ डालकर बीच पर घूमने निकल चले हैं। सो क्यूट। या रियली क्यूट। कितना अच्छा देवर है, भाभी को भाई की कमी महसूस ही नहीं होने देता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था। माना कि यह जगह शहर से बहुत दूर है, लेकिन इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था, एटलीस्ट पॉलिसी की रकम मिलने तक। गुड वेल, तुम कहना क्या चाहते हो? देखा मैंने, इंटेलिजेंट क्रिमिनल की यही खासियत है, वो कभी हार नहीं मानता। कल मैं केप टाउन गया था, वहां मेरी मुलाकात एक स्टेट एजेंट से हुई, वही जिससे रणवीर भैया और भाभी जी मिलने गए थे। वहां अचानक भाभी जी ने तबीयत खराब होने का नाटक किया, ना तो ये 2 रोज फ्री थी, ना ही रणवीर ने इन्हें प्रपोज किया था। बेचारे रणवीर भैया को लगा कि सचमुच इनकी तबीयत खराब हो गई है, और इन्हें होटल जाकर आराम करने के लिए कहा, लेकिन इन्हें शादी की बहुत जल्दी थी। ये पहुंची मैरिज रजिस्ट्रार के पास।
जहां हमारे छोटे भैया राजीव पहले से ही मौजूद थे और इन दोनों ने शादी कर ली। मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन तो रणवीर की है, ये चमत्कार कैसे हुआ? इनकी वजह से। मैरिज सर्टिफिकेट पर रणवीर के साइन पहले ही ले लिए थे। कितनी बार बोला मैंने तेरे को ऑफिस से फोन मत कर, मेरे को एक सेकंड ये ले इसमें साइन करो। फिर हमारी भोली भाली भाभी जी ने चुपके से ओरिजिनल सर्टिफिकेट को रणवीर के साइन किए हुए सर्टिफिकेट से बदल दिया। फिर रजिस्ट्रार के सामने उन्होंने रियल सिग्नेचर किए और मिस्टर पुरुषोत्तम ने सिग्नेचर करने की एक्टिंग की। अब ये पुरुषोत्तम कौन है? मिस्टर राजीव ही मिस्टर पुरुषोत्तम है। इसी नाम से आपने केपटाउन की एयर टिकट बुक करवाई थी ना? हाँ? उस दिन केपटाउन 91 लोग गए थे, 90 लोगों से तो मेरी बातचीत हो गई, बस एक पुरुषोत्तम का अता पता नहीं मिला। लेकिन ये मैरिज ब्यूरो से फोटो जरूर मिला है। कितना लोगे? तुमने कैसे सोच लिया कि मैं पैसा खाऊंगा? Don't insult my intelligence, officer. अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए होते तो अब तक मैं लॉकअप में होता। He's right. You're right. टोटल अमाउंट का 25% लूंगा, 8% सर्विस टैक्स माफ। कब तक मैं ये फ्रूट खाता रहूंगा? Done. बदले में तुम हमें क्लीन चिट दोगे ताकि हमारे पॉलिसी के पैसे तुरंत मिल जाए। मैं इंश्योरेंस कंपनी को क्लीन चिट दे चुका हूं और ये उसकी कॉपी। मंडे तक तुम्हें सैंक्शन लेटर भी मिल जाएगा। मैं अब तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। बाय। नमस्ते भाभी जी। मैम मैं सोच भी नहीं सकती थी, हर बार आप 5-10 लाख का चक्कर चलाते थे, इस बार 100 मिलियन डॉलर्स का 25% यानी 25 मिलियन डॉलर्स। तुम टेंशन मत लो, हमेशा की तरह तुम्हें तुम्हारा कट मिल जाएगा और साथ में 100 रुपया टिप भी। थैंक यू सर। मेंशन नॉट।
रखा है। थैंक यू। तुम्हारे पैसे कहां पहुंचा दूं? किंग क्रॉस रोड पर एक चिल्ड्रन सोसाइटी है, कल वहां जाकर मेरा शेयर डोनेट कर देना। डोनेट करो? मेरा पैसा है, इट्स माय मनी, मैं कुछ भी करूं। गुड लक। सो वियर्ड। जब हर वक्त मैं तुम्हारे साथ हूं तो डर किस बात का? जब तुमने सोफिया के नाम के सैंक्शन लेटर की बात बताई, मैं तब भी समझ गया कि पैसा मिलते ही राजीव तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। लेकिन राजीव बैंक से पैसे ले जा चुका है। आई नो, मैं यही चाहता था। आफ्टर ऑल हैं तो मेरे मौत के पैसे, उसे राजीव कैसे ले जा सकता है? एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, द प्लान is working.